हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फैशन ब्यूटीशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3.26 का कलर कैसे कर सकते हैं। ये वाला तुम्हारा जो हो गया 0.2 मतलब 3 नंबर तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, डार्क ब्राउन। नेक्स्ट 0.2 जो है हमारा वो हो गया वायलेट एंड 6 हो गया हमारा रेड। तो ये हो गया हमारा वायलेट रेड डार्क ब्राउन। तो ये वाला कलर हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है अगर आप मैट्रिक्स का कर रहे हो कलर तो आपको मैट्रिक्स के अंदर जो है 90 ग्राम की ट्यूब आती है, देन आपको इसकी मिक्सिंग रेशियो जो रखनी है वो रखनी है 1:1.5। तो अगर आपकी 90 ग्राम की ट्यूब है, मान लो अगर आप पूरी ट्यूब ले रहे हैं तो आपको 135 ml ऑक्सीडेंट मतलब डेवलपर लेना है फ्रेंड्स, या आप अगर आधी ट्यूब ले रहे हैं 45 ग्राम की तो आपको 67.5 ml जो है ऑक्सीडेंट मनी डेवलपर लेना है फ्रेंड्स, और आपको मिक्स करके अब लगा देना है बालों पे। और फ्रेंड्स आपको इसकी जो टाइमिंग रखनी है आपको रखनी है 35 मिनट से 45 मिनट के बीच में, इतने में आपका कलर आराम से आ जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारा 3.26 का जो कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 नंबर हो गया, ये हमारा यहाँ पर डार्क ब्राउन। नेक्स्ट हम आगे फैशन शेड में, ये हो गया हमारा 2 नंबर वॉयलेट एंड 6 नंबर रेड। तो ये हो गया हमारा डार्क ब्राउन जो है डार्क ब्राउन, उसके बाद में वॉयलेट एंड रेड, मतलब कि वॉयलेट रेड डार्क ब्राउन हमारा कलर हो गया फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा कलर आता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर करके देखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।